Hello students, how are you all? Myself Mr. Shivam Dhiman and I am your SST teacher. Today's video is for class 3rd and in this video I will be explaining about the national symbols of India. So students, in this video I will be telling you about the national symbols of India, which are national flag, national anthem, national emblem, national flower, national animal and national bird. So students, our country India is very unique and it has some symbols which we should respect and we should be proud of it. So these symbols are our national symbols, and these national symbols are intrinsic to the national Indian identity and heritage. तो ये जितने भी राष्ट्र प्रतीक चिन्ह हैं, ये हमारे लिए गर्व, हमारे लिए सांस्कृतिक धरोहर की, हमारे संस्कृति की पहचान है. एंड हर देश का एक पर्टिकुलर सिंबल होता है, जैसे हमारे इंडिया का सिंबल्स है. तो जैसे नेशनल एंथम आप जानते हैं, जनगणना माना. नेशनल फ्लैग क्या है? ट्राइकलर फ्लैग है. नेशनल एम्बलम लायन कैपिटल है. तो उसी तरह कुछ ऐसे सिंबल्स हैं जो हमारे नेशन की वैल्यू, नेशन के बारे में बताते हैं. इनमें पहला है नेशनल फ्लैग, जो कि ट्राइकलर फ्लैग, तिरंगा. तो ट्राइकलर फ्लैग है हमारा, इसे तिरंगा कहते हैं. अब इस ट्राइकलर फ्लैग में 3 कलर्स पाए जाते हैं. फर्स्ट ऑफ ऑल इसमें रेड, येलो, ग्रीन थे, फिर बदल करके बहुत संशोधन करने के बाद इसमें ऑरेंज, वाइट, ग्रीन आए. और उस समय गांधी जी का चरखा इसके बीच में था, अब क्या है? अशोक चक्र, ब्लू कलर का अशोक चक्र जिसमें 24 तीलियां होती हैं. ठीक है, इसे धर्म चक्र भी कहा जाता है. ये समय की गतिशीलता का सूचक है. 3 कलर्स जो इसके बैंड्स में हैं, वो 3:2 के, जो इसके लेंथ ऑफ ब्रेथ है वो 3:2 के विथ प्रोपोर्शन में है. और जो 3 कलर्स हैं वो अलग अलग सिंबलाइज करते हैं, जो इसके फीचर्स हैं. जैसे केसरिया यानी सैफ्रन रंग करेज का, वाइट कलर पीस का, और ग्रीन कलर प्रॉस्पेरिटी का, हैप्पीनेस का सिंबलाइज करता है. अब हम जानते हैं कि नेशनल फ्लैग को हम नेशनल फेस्टिवल्स, नेशनल समारोह में फहराते हैं, जैसे कि इंडिपेंडेंस डे, रिपब्लिक डे एंड गांधी जयंती. अब फ्लैग होस्टिंग कुछ रूल्स होते हैं, जैसे कि जब हम झंडा रोहण करें तो केसरिया ऊपर होना चाहिए, श्वेत बीच में और ग्रीन नीचे. इसे शाम, सवेरे के समय, मतलब सूर्योदय के बाद में फहराया जाता है और सूर्यास्त होने से पहले उतार लिया जाता है, और इसका देखभाल करी जाती है, सम्मान इसकी रक्षा की जाती है. नष्ट जाने पर इसे एकांत में, मतलब इसको दफना दिया जाता है या जला दिया जाता है. अब हम जानते हैं नेशनल एंथम. नेशनल एंथम ओरिजिनल क्या था? भारत तो भाग्य विधाता, जो नोबेल प्राइज विनर रविन्द्रनाथ टैगोर ने लिखा था. और नेशनल एंथम का जब कॉन्स्टिट्यूशन में इसको सम्मिलित किया गया तो इसका क्या नाम पड़ गया? जनगणमन. तो जनगणमन जो फर्स्ट एंजा है, वे हमारे भारत की भूमि की एकजुटता, प्रेम और नेशनैलिटी के बारे में, मार्टिरडम के बारे में बताता है. ठीक है, तो ये हमारे लिए गर्व, लॉयल्टी और डिक्लेरेशन का सिंबलाइज करता है ये सॉन्ग, ये एंथम. और नेशनल एंथम को हम जब फ्लैग होस्टिंग करते हैं तो उस दौरान गाते हैं, और इसको गाने में 52 सेकेंड्स का टाइम लगता है. एंड जब भी हम इसे गाएं तो ये कैसे पोजीशन होना चाहिए? मतलब अटेंशन की पोजीशन पे हमें इसे गाना चाहिए. ठीक है, सावधान की मुद्रा में. नेशनल एम्बलम, नेशनल एम्बलम क्या है? लायन कैपिटल, जो ऑफिशियल सील है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की. और ये आप पैसों में, नोटों में और सरकारी दस्तावेजों में इसका चिन्ह देख सकते हैं. ये फोर हेडेड, मतलब फोर डायरेक्शन फोर हेडेड लायंस हैं, और नीचे व्हील है, और लेफ्ट पार्ट में इसके हॉर्स और राइट साइड में बुल है. ठीक है, तो इसके नीचे सत्यमेव जयते, जो कि
मुंडको उपनिषद से लिया गया है और देवनागरी स्क्रिप्ट में लिखा है। इसका मतलब है ट्रुथ ऑलवेज ट्रायम्फ्स, मतलब सत्य ही विजयी होता है। अब हम जानते हैं कुछ अन्य नेशनल सिंबल्स के बारे में, जैसे कि नेशनल एनिमल टाइगर। टाइगर पावर करेज को सिंबलाइज करता है। हमारे यहाँ जो फेमिनाइन गॉडेस हैं जो स्ट्रेंथ को शो करती है, जैसे कि भारत माता, और हम देखें अगर तो शक्ति जो हैं वो उनका वाहन क्या है, टाइगर। तो येलो टाइगर हमारे इंडिया की पहचान है और हम इसे प्रोटेक्ट करते हैं हंटिंग पोचिंग से। तो प्रोजेक्ट टाइगर लॉन्च किया था गवर्नमेंट ने 19 अप्रैल 1973 में, ठीक है। अब हम जानते हैं नेशनल फ्लावर के बारे में। नेशनल फ्लावर लोटस है, ये सेक्रेट फ्लावर भी है, प्यूरिटी और डिविनिटी को शो करता है, एक्सप्रेस करता है। और हम जानते हैं कीचड़ में पैदा होने के बावजूद भी ये पवित्र और सुंदर दिखता है। और ज्ञान की देवी सरस्वती इस पर विराजमान होती हैं। लक्ष्मी की देवी, मतलब धन की देवी, श्री की देवी लक्ष्मी इसे धारण करती हैं, इसलिए भी ये पवित्र और सुंदर माना गया है। फिर नेशनल बर्ड हमारा पिकॉक है। नेशनल बर्ड पिकॉक होने के पीछे कई कारण हैं। ये गर्वीला है और मतलब सांप जैसे भयंकर विषधर का भी सामना कर सकता है, ठीक है। और जब ये अपने फैन फैदर्स को फैन की तरह फहराता है, खोल लेता है, तो वो बहुत ही सुंदर लगता है। अब हमारे कुछ अन्य सिंबल, जैसे नेशनल सॉन्ग वंदे मातरम, नेशनल पोइट रविन्द्रनाथ टैगोर, नेशनल फ्रूट मैंगो जिसका साइंटिफिक नेम मैंगीफेरा इंडिका है, नेशनल रिवर गंगा, नेशनल ट्री बैनियन, नेशनल गेम हॉकी एंड नेशनल मॉन्यूमेंट इंडिया गेट। सो दिस वॉज अ चैप्टर एक्सप्लेनेशन ऑफ नेशनल सिंबल्स ऑफ इंडिया दैट आई हैव एक्सप्लेन यू इन दिस वीडियो। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, हैव अ नाइस स्टूडेंट्स, बाय बाय।